कुछ लोगों को भारत और भारतीयों की भावनाओं को आहत करने में विशेष आनंद मिलता है और एलपीयू इसमें ताजा एंट्री प्रतीत होता है। प्रभु श्री राम को अपमानित करने के लिए एक समय चर्चा में आया ये संस्थान अब अपने एक वीडियो के लिए काफी विवाद में आया है, जहां अपने मानचित्र में इन्होंने न केवल भारत को खंड खंड दिखाया है अपितु भारत विरोधियों को फिर से विष उगलने का अवसर दिया है। नमस्कार, स्वागत है आपका TFI पर, जो है भारत का सबसे विश्वसनीय अल्टरनेट न्यूज मीडिया पोर्टल, और मैं अनिमेश पांडे आपको अवगत कराऊंगा कि कैसे लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी ने अपने भड़काऊ वीडियो से भारत विरोधी तत्वों को आयुध प्रदान किया है और कैसे भारत के वास्तविक मानचित्र को हमें रेखांकित करने और उसे स्पष्ट करने की सख्त आवश्यकता है। मूल समस्या प्रारंभ होती है इस वीडियो से। इंडिया एंड स्टडी इन पंजाब के फगवाड़ा स्थित लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी ने अपने स्टडी इंडिया प्रोग्राम के अंतर्गत एक विवादित वीडियो चलाया है। इस वीडियो में भारत के मानचित्र से कश्मीर को हटा दिया गया है। इस वीडियो को सबसे पहले यूनिवर्सिटी के हैंडल से 7 जून 2022 को शेयर किया गया था, परंतु यह तो कुछ भी नहीं है। इस वीडियो में तो पूर्वोत्तर भारत तक को भारत का हिस्सा नहीं माना गया है, परंतु आपको क्या लगता है, ये यूं ही हुआ है? इसके पीछे एक बहुत ही सोची समझी रणनीति है। इस विश्वविद्यालय के कुलपति यानी चांसलर है अशोक कुमार मित्तल, जो राज्यसभा सांसद भी है, और अनुमान लगाइए कि वो किस पार्टी के सांसद है। सोचिए सोचिए, वे उसी आम आदमी पार्टी के सांसद है जिसने सर्जिकल स्ट्राइक के सबूत मांगने से लेकर खालिस्तान तक को बढ़ावा देने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। सबके सब चोर हैं साले। ये यूनिवर्सिटी वर्ष 2005 में बनकर तैयार हो गई और एक वर्ष बाद 2006 में ही इसका कामकाज और पठन पाठन शुरू हो गया। वर्तमान में शारदा यूनिवर्सिटी नोएडा में प्रोफेसर और सोशल मीडिया पर नरेंद्र मोदी विरोधी पोस्ट के लिए चर्चित एहरार अहमद लोन भी पहले इसी लवली यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर थे। इससे पूर्व में भी इसी प्रकार की घटनाएं दोहराई जा चुकी है, चाहे वो चंडीगढ़ विश्वविद्यालय के एलुमनाई सेक्शन का विवादित मानचित्र हो या फिर गूगल एनालिटिक्स के मानचित्र हो, सबकी बराबर की हिस्सेदारी रही है। परंतु प्रश्न तो अभी भी यथावत है, भारत का वास्तविक मानचित्र क्या है? भावनात्मक रूप से तो कश्मीर से कन्याकुमारी तक और गुजरात से अरुणाचल तक संपूर्ण भारतवर्ष हमारा है। अब इसमें मतभेद है कि प्राचीनतम भारत का मानचित्र किसने उकेरा, परंतु अगर आधुनिक इतिहास के परिप्रेक्ष्य से देखें तो अविभाजित भारत का मानचित्र सर्वप्रथम मेजर जेम्स रेनल ने रचा था। और यदि मान भी ले कि अंग्रेजी अफसर सिरिल रैडक्लिफ द्वारा रचित स्वतंत्र भारत का मानचित्र आधुनिक भारत का मानचित्र था, तो भी उसमें कश्मीर, पूर्वोत्तर भारत इत्यादि को उनका उचित स्थान तो अवश्य दिया गया था। ये बड़ी अच्छी बात कही आपने। आज कुछ धूर्त सरकारों के दबाव में जिस प्रकार से हमारे मानचित्र के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, उससे भले उन्हें प्रतीत हो रहा है कि वे विचारधारा की लड़ाई जीत रहे हैं, परंतु वे वास्तव में उगते हुए सूर्य के सूर्योदय को रोकने का प्रयास कर रहे हैं, और हम सभी जानते हैं कि वो कितना संभव है।